हिमाचल में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवाएं दी और वर्तमान में उनमें से लगभग 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के रवैये से नाराज 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी सड़कों पर उतर गए हैं, जहां उनके द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय कुसुमती के बाहर शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में ये कर्मचारी जीवीके कंपनी के माध्यम से सेवाएं दे रहे थे और अब मुख्यमंत्री जयराम सरकार ने बीते 15 जनवरी को ही नई कंपनी मैट्सवान को अनुबंधित किया है। इस कंपनी ने 200 मेडिकल टेक्नीशियन, पायलट और ड्राइवर्स को नौकरी से बाहर कर दिया है। इन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं। अब इनके सामने 2 जून की रोजी रोटी का संकट आ गया है। मेरा नाम है कंचन शर्मा और मैं 108 की कर्मचारी हूँ और जितने भी हमारे कर्मचारी आए हैं 108 के निकाले गए हैं मैम। अभी नई कंपनी आई है हमारी, उन्होंने हमारे को एक ही झटके में अभी 200-300 बंदे हमारे बाहर निकाल दिए हैं, पर अब हम भी मानने वाले नहीं है मैम। ये धरना हमारा चलता रहेगा जब तक हमारी सरकार सुनेगी नहीं, हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। हमारी मांग है कि हम जिस तरह से पहले काम कर रहे थे उसी तरह से अब भी हम काम करते रहेंगे, लेकिन जो कंपनी आई है या तो इस कंपनी को यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें मतलब हमारी स्थायी नीति बना दी जाए मैम, हम यही चाहते हैं। अभी नहीं हुई हमारी तो हम यहाँ से कोई भी नहीं उठने वाले हैं मैम, ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। सरकार जब तक नहीं हमारी सुनेगी तो हम भी यहाँ से नहीं उठने वाले हैं मैम। आज इतने दूर दूर से आए हैं लोग मैम, कितना ज़्यादा यहाँ पे बिना पैसे के ना हमारे को पेमेंट मिल रही है क्योंकि हम ड्यूटी पे भी नहीं है, और कैसे अपना घर का हम राशन मतलब कैसे पालन पोषण कर रही है हमें जानते हैं मैम। हम ऐसे नहीं जाने वाले हैं यहाँ से, हम अपनी मांगे मनवा के जाएंगे मैम। मैं 9 सालों से 108 एम्बुलेंस में सेवाएं दे रही हूं मैम। हम गवर्नमेंट से यही बात पूछना चाहते हैं कि हम लोगों का कसूर क्या है, हमने अपनी बेहतरीन सेवाएं देश की जनता को दी है, हमें गवर्नमेंट जवाब दे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन तक जब तक रहेगा तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी कोई स्थायी नीति नहीं बनेगी, और हमारे को अभी हमारे जो कर्मचारी और भी जो सेवाएं दे रहे हैं उनको ऑफर लेटर ही मिले हैं। जब तक समस्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाते हैं, और पहली बात तो यह है कि कल की जो मैंने स्टेटमेंट देखी उसमें बोला गया कि गाड़ियाँ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवीके कंपनी में जब हम लोग कंटिन्यू 4-4 महीने घर भी नहीं गए, सेवाएँ दे रहे थे, तो आज कहाँ गई वो गाड़ियाँ, उन जिन गाड़ियों पे हम ड्यूटियाँ कर रहे थे। और जब न्यू जो भर्तियाँ भरी जा रही है तो पुराने कर्मचारी घर में बैठे हुए नए को चढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास जी गाड़ियाँ नहीं है। ये कौन सा तरीका है, इसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लें, नहीं तो प्रदेश की जनताओं को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, उसका सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट जिम्मेवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।